Yeah, let's go. I'm unstoppable, do the impossible. I'm irresponsible, yet I'm phenomenal. I got an arsenal, I'm dropping bombs, I don't want to stop it, conquer the obstacle. To the top, here I go, think I'm chosen to be the king of rock, think the people have spoken. I can hear the tick-tock of the clock, I'm in motion, so now. हेलो फ्रेंड्स, आगे हम नई वीडियो लेकर, और आज की वीडियो बहुत ही कमाल और धमाल की रहने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि PUBG मोबाइल के अंदर हमें अपनी मूवमेंट और रिफ्लेक्सेस को कैसे एक ओपी लेवल की प्लेयर की तरफ बनाना है। सो अगर आप चाहते हो कि आपको अपनी गेमिंग को एक ओपी लेवल तक ले जाना है, तो आपको इसके लिए सीखना होगा और लर्न करना होगा धीरे धीरे, और ड्रिल्स को फॉलो करना होगा डेली रूटीन में। सो मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसको आप फॉलो करो, और रिजल्ट देखना यार, थोड़े दिनों में आपको रिजल्ट दिखेगा इसका, क्योंकि एकदम से कुछ भी नहीं होता यार, एकदम से तो कोई भी प्लेयर नहीं बनता। तो आपको धीरे धीरे से ही मेहनत का फल मिलेगा। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, और अगर नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर देना यार, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो मैं आपके लिए ऐसे ऐसे ओपी मूव्स लेके आता रहूँगा। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो PUBG मोबाइल के अंदर आपको अगर अपनी मूवमेंट और रिफ्लेक्सेस को बढ़ाना है, ओपी लेवल तक ले जाना है, तो आपको चार बातों का ध्यान रखना होता है। फर्स्ट होता है आपका बेसिक सेटअप, जो आपका सेटअप होता है, जैसे आप क्लॉ पे खेलते हो, थंब पे खेलते हो, तो आपको अपना क्लॉ या सेटअप ऐसा बनाना है कि जिससे आपके फिंगर्स को बहुत ही आसानी हो, मतलब आपकी फिंगर्स उस मूवमेंट को कैच कर सके। तो ऐसी जगह पर अपने पीक ऑप्शन हो गया, फायर ऑप्शन हो गया, जंप ऑप्शन हो गया, ऐसी जगह पर उसको रखो कि जहाँ पर आपका थंब या आपकी फिंगर्स उसे अलाउ करती है, और आपके लिए इजी रहता है कि आपको, मतलब आप आंख बंद करके भी उस बटन को दबा दो जब आपको ज़रूरत पड़ती है। ऐसा ना हो कि अगर आप दबाना खुद चाहते हो, आप जंप करना चाहते हो और आप प्रोन हो रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी जो बेसिक कंट्रोल है, बेसिक सेटिंग्स है, उसको आपको परफेक्ट करना होगा। तो कुछ प्लेयर्स की बेसिक सेटिंग्स भी सही नहीं होती है, तो मैं आपको अपनी बेसिक सेटिंग दिखा देता हूँ, तो आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा कि आपको बेसिक सेटिंग्स में क्या क्या रखना होता है। तो एम असिस्ट आपको इनेबल करना होता है, ब्लॉक साइड वार्निंग के लिए मैंने पिछली वीडियो बनाई थी कि इनेबल करे या डिसेबल करे, जिसे डाउट है वो देख सकता है। और बाकी तो आपको पता ही है, पीक एंड फायर इनेबल, पीक एंड स्कोप ओपन इनेबल, और लीन मोड मैं मिक्स पे रखता हूँ, स्कोप मोड मैं टैब पे रखता हूँ, तो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। बाकी इसमें बस यही आपकी मेन सेटिंग्स होती है, तीन चार जो मैंने आपको बताई है, तो आप देख सकते हो। कंट्रोल मेरा फोर फिंगर का ये है, आप देख सकते हो। बाकी आपका अपना होगा, तो आप अपने हिसाब से अपने कंट्रोल को सेट कर सकते हो। तो ये रही कंट्रोल की बात, कि आपको कंट्रोल से आपकी मूवमेंट बहुत ही खास हो जाती है, क्योंकि आपका कंट्रोल जहाँ पे होगा वहीं पर आपकी मूवमेंट करेगी, वैसे ही आपका थंब अलाउ करेगा आपको कि आप कैसे फास्ट मूवमेंट दे पा रहे हो, देखिए ये ऐसे। तो आपको अपने क्लॉ के हिसाब से या थंब के हिसाब से अपने कंट्रोल सेटअप को सही करना होगा। दूसरा आपका मेन करता है मूवमेंट एंड रिफ्लेक्सेस के लिए, कि आपकी जॉयस्टिक का मतलब होता है जो आपको दिखती है जिससे आप मूव होते हो, वो आपकी जॉयस्टिक होती है। तो अगर आपकी जॉयस्टिक सही नहीं होगी, जॉयस्टिक का साइज सही नहीं होगा, तो आपकी मूवमेंट में बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो आपकी मूवमेंट कई बार आपको ऐसा होता होगा कि आप आगे ही दौड़ते जा रहे हो, मतलब आपकी जॉयस्टिक फंस जाती है। तो आपको इसके लिए अपनी जॉयस्टिक का साइज पता होना चाहिए, क्या मेरे थंब के लिए बेटर रहता है क्या नहीं है। तो जॉयस्टिक आप देख लीजिए, तो मेरा ये है 78 पे रखा है मैंने, तो मेरे को ये परफेक्ट लगता है, तो आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हो। तो जॉयस्टिक की मूवमेंट से आपका बहुत फर्क पड़ता है यार, क्राउच मूव, राइट आउट, सब कुछ आपके लिए ये जॉयस्टिक ही करती है। तो अगर आपको जैसे कवर फायर देनी होती है कि आपको एकदम शॉट भी लेने हैं और कवर में भी आना है, तो आपकी जॉयस्टिक ही काम करती है एकदम पीछे आने के लिए, वरना आप नॉक डाउन हो सकते हो। तो आपको जॉयस्टिक पे काम करना होगा, इसे अपने ढूंढना होगा अपने साइज़ के हिसाब से, आपके थंब के हिसाब से, जैसा आपको लगता है कि आप फास्ट दौड़ सकते हो, फास्ट मूवमेंट कर सकते हो। जैसे ये अगर कोई एनिमी आप पे फायर करता है दूर से, तो जॉयस्टिक का काम होता है कि आपको बचाना, आपको लेफ्ट राइट मूवमेंट करके दौड़ना होता है, और तेज और जंप भी करनी होती है। सो जॉयस्टिक ढूंढिए अपने हिसाब से, जहाँ पर आपको लगता है कि मेरी जॉयस्टिक परफेक्ट है, तो वहीं पर उसको रखिए। सो ये तो हो गया आपके लिए दो ऑप्शन, जिससे आपकी मूवमेंट एंड रिफ्लेक्सेस कतई जहर हो जाएगी। तो थर्ड बात करते हैं जिगलिंग, जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, जिगलिंग। जिगलिंग मतलब
होता है कि आपको लेफ्ट राइट मूवमेंट देनी होती है और एनिमी को नॉक करना होता है। तो जिगलिंग देखिए, जैसे मैं बताता हूँ आपको क्या होती है। जैसे ये है बंदा है, तो मेरे को ये मूवमेंट देनी है लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट और बंदे की तरफ एम रखना है। ये होती है आपकी जिगलिंग और इसका यूज होता है आपके क्लोज कॉम्बैट को बेटर करने में, जो आपकी क्लोज कॉम्बैट को बहुत ही कतई ओपी लेवल का बेटर कर देता है। देखिए ये देखिए, ये मूवमेंट इतनी खतरनाक कर सकते हो आप जितनी आप प्रैक्टिस करोगे लेफ्ट राइट एंड फायर। पर आपका एम इसके लिए बेटर होना चाहिए। देखिए, और जोनाथन को तो आप जानते होंगे, दुनिया के नंबर वन प्लेयर में आते हैं वो, तो उनका बहुत ही जो थंब प्लेयर है उनके लिए तो ये बेस्ट ओपी होता है यार। जिगलिंग करो क्लोज रेंज की फाइट के लिए, जिगलिंग करो, क्राउच एंड शूट इतना यूज मत करो, जिगलिंग बेटर है आपके लिए। देखिए, जिगलिंग करते रहो, आराम से आप बंदे को नॉक करोगे और इजी किल लोगे। तो आपकी मूवमेंट के लिए जिगलिंग भी बहुत ही खतरनाक एक वेपन रहता है। तो फोर्थ पॉइंट रहता है हमारा कि सेंसिटिविटी अकॉर्डिंग टू योर सेटअप। जो सेंसिटिविटी होती है आपकी, वो आपके सेटअप के हिसाब से होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका सेटअप कुछ और बोल रहा है और आपकी सेंसिटिविटी कहीं और ही जा रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने अपने सेंसिटिविटी को अपने सेटअप के हिसाब से बिठा लिया तो आपकी गेमिंग यार कतई ओपी हो जाएगी और अलग लेवल के प्लेयर बन जाओगे। तो आपको अपने सेटअप और सेंसिटिविटी को मिक्सअप करना होगा। तो देखिए, अब मैं बताता हूँ आपको मूवमेंट में आपकी सेंसिटिविटी कैसे काम करती है। जो हमारी ये सेंसिटिविटी होती है ना कैमरा की, थर्ड पर्सन नो स्कोप, अगर मैं इसको बिल्कुल ही जीरो कर देता हूँ तो आप देखना आप क्या होता है। ये देखो, मैं थंब से मूव कर रहा हूँ पर हो नहीं पा रहा हूँ। ये देखिए, मूव नहीं हो पा रहा है बटन, जो ये क्रॉस एयर के पास आप डायरेक्शन कैमरा को चेंज करते हो वो नहीं हो पा रहा। देखिए, मूव नहीं कर पा रहा हूँ। सो इसके लिए आपकी सेंसिटिविटी बहुत काम करती है, इसको आप अपने हिसाब से रख सकते हो। जितना, अगर मैं इसको फुल 300 पे कर देता हूँ तो देखना क्या होता है। ये देखिए, देखिए कितना फास्ट मैं मूव कर पा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ को, यहाँ से यहाँ को, यहाँ से यहाँ को, एकदम से मुड़ भी पा रहा हूँ। ये देखिए, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आ गया, इस डायरेक्शन में आ गया। तो इसके लिए आपको अपने हिसाब से, जहाँ पर आपको लगता है कि मैं इतनी सेंसिटिविटी सही रख सकता हूँ, तो मैंने तो 200 पे कर रखी है, आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हो। देख सकते हो कि आपको कितनी मूवमेंट चाहिए, कितनी फास्ट चाहिए, कि आप अगर बंदा पीछे से मारा तो आप कितनी जल्दी, कितना आपका थंब मूव करे कि आप पीछे की तरफ मुड़ जाओ और बंदे को मार दो। ऐसे आपको ढूंढनी होगी अपने हिसाब से। तो ये तो आपके लिए टिप्स थे, और मैं आपके लिए एक उम्मीद करूँगा कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा। अगर अच्छी लगी होगी यार टिप्स, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Hey, I ain't never giving up. Said, I never give up. Fake it till I make it.